नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुराग शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गंज बासोदा से। यहाँ गंज बासोदा तहसील मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर डावर गांव के हाई स्कूल में बच्चों और टीचर्स को पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि रास्ते की हालत काफी खराब है और सड़क कीचड़ में लुप्त हो गई है। स्कूली बच्चों और टीचर्स को कीचड़ से होकर ही स्कूल तक पहुंचना पड़ता है। वहीं स्कूल परिसर में बने भवन की हालत काफी खराब है। बारिश के दौरान भवन में पानी टपकता रहता है और उसी कमरे में बच्चों के लिए भोजन बनाया जाता है। स्कूल के शिक्षकों ने जिला अधिकारी से स्कूल को 2 पाली में लगाए जाने की मांग की है। अधिकारी ने भी फोन पर तुरंत स्कूल को 2 पाली में चलाने की अनुमति दे दी है। वहीं सरपंच और सचिव मिलकर घटिया निर्माण करा रहे हैं, जिसकी पोल खुल चुकी है। वहीं प्रशासन की इस अनदेखी को देखकर ऐसा लगता है कि प्रशासन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेने में हिचकता है। इंडिया खबर लाइव के लिए गंज बासोदा से एलएन चौबे के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट। मैं कविता निगम लायरा कुरवाई विकास खंड से अभी स्थानांतरित होकर आई हूँ। यहाँ गणित विषय की माध्यमिक शिक्षक हूँ और प्रभार मेरे पास है। यहाँ अप्रोच रोड जो है बच्चों को आने की, ये रोड बनी नहीं है और बहुत अधिक कीचड़ और उसमें बच्चों को समस्या होती है। और दूसरा, यहाँ बिल्डिंग जो है हाई स्कूल खुल गया है, लेकिन अभी कक्षों की, शिक्षण कक्षों की बहुत कमी है और जो कक्ष बने हुए भी हैं वो भी उनमें मरम्मत की बहुत ज़रूरी है और सर लोगों के उससे। और वैसे हालांकि प्रस्ताव ऊपर से पहले आ चुका है, लेकिन अब हो सकता है कि और जल्दी ही ये कार्य होगा पूरा, ऐसी हम लोग आशा करते हैं विद्यालय वाले।